नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे शोधन क्रियाओं का शरीर क्रिया विज्ञान पर प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ षटकर्मा। उन्हें आप षटकर्म कहें या शोधन क्रिया कहें, एक ही बात है, ठीक है ना। शोधन क्रिया इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे शरीर की शुद्धि होती है, और षट क्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रियाएं छः हैं, छह प्रकार की क्रियाएं हैं। इनसे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। अलग अलग क्रियाएं शरीर के अलग अलग भाग को शुद्ध करती हैं, इसलिए इनको शोधन क्रियाएं कहते हैं। और छह हैं इसलिए इनको षट माने होता है छह, तो षट कर्म या शोधन क्रियाएं एक ही बात। पहले स्लाइड पे आते हैं हम लोग। स्लाइड का नाम है शोधन क्रियाएं। इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे कि शोधन क्रियाएं कौन कौन सी हैं। ये छह क्रियाएं हैं, धौतिर वस्तित तथा नेति, नौल की त्राटकम तथा कपाल भाति शैतान षट कर्माणि समाचरे। अर्थात धौति वस्ति नेति नौली त्राटक और कपाल भाति, ये छह क्रियाएं हैं। ये मैंने जो नीचे श्लोक दिया है, ग्रंथ संहिता का श्लोक है, पहले अध्याय का पहला जो है श्लोक है, जहाँ पर षटकर्म के अंतर्गत आने वाली छहों क्रियाओं के नाम बताए गए हैं। पट प्रदीपिका और ग्रहण संहिता दोनों स्पष्ट करते हैं। ग्रहण संहिता में जो सात अंग हैं जिनके द्वारा योग की प्राप्ति होती है, उन सात अंगों के नाम हैं षटकर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत दृढ़म मुद्रया स्थिता च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामा लाघवम च ध्यानात प्रत्यक्षात्मना समाधिना निलिप्तम मुक्तश्चैव न संशया। ये सात अंग हैं। क्योंकि वो विषय नहीं, इसलिए उसको मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। केवल इतना कहना है कि षटकर्म वहाँ पर पहला है जिसके बारे में ग्रंथ संहिता स्पष्ट कहती है, षटकर्मणा शोधनम च, शरीर की शुद्धि के लिए षट कर्मों का अभ्यास किया जाता है। तो वही बात हम यहाँ भी कह रहे हैं कि षट कर्मों के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। और ये छह क्रियाएं जो षटकर्म के अंतर्गत आती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो इस श्लोक में कहा गया है, जिसमें क्रमशः नंबर एक पे धौती, नंबर दो पे वस्ति, नंबर तीन पे नेति कर्म, नंबर चार पे नौली, और पांच पे त्राटक, और अंतिम छठे नंबर पे कपाल, ठीक है ना। अट प्रदीपिका में भी ये छह क्रियाएं, थोड़ा आर्डर का अंतर है, लेकिन अभी उतना आपको डीप यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का विषय है षट कर्मों का शरीर क्रिया विज्ञान पर या फिर इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या, ये पढ़ना। अब हम इसे एक एक क्रिया देखेंगे। उससे पहले जब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात आती है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप आसन बताया है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप प्राणायाम बताया है, और आज आप षट कर्म देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप षट कर्म। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप आसन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप प्राणायाम, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ षटकर्म। ये जो तीन क्रियाएं आप देख आज तीसरी जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आज मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि जब आप कहते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ग्रंथ में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ना करके जब आप ग्रंथ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ ये बताया गया है कि षटकर्म के लाभ क्या है। लाभ में बीमारियों के भी लाभ उल्लेख आते हैं कि इस बीमारी में फायदा होता है, बीमारी ठीक हो जाती है, या फिर साधनात्मक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया जाता है, जिसमें ये चीजें हैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें वो लाभ मिलता है, ठीक है ना। जैसे प्राणायाम में प्राणायाम का लाभ बताते समय ग्रंथ ये भी कहते हैं कि इससे अमुक बीमारी ठीक हो जाती है, प्राणायाम के अभ्यास से जो है वात पित्त कफ से संबंधित बीमारी ठीक हो जाती है, या कहीं कहीं सीधे रोग का नाम ले लेते हैं, ये रोग ठीक हो जाता है, और कहीं कहीं रोग का नाम ना लेकर के ग्रंथ का नाम, वो स्पिरिचुअल प्रगति का नाम ले लेते हैं कि इस अभ्यास से कुंडलनी का जागरण हो जाता है, या समाधि की प्राप्ति हो जाती है, या चक्र का जागरण हो जाता है, या सुषुम्ना मार्ग ओपन हो जाता है और उसमें प्राण का प्रवाह हो जाता है, या हा और ठा का मिलन हो जाता है, इस तरह की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों भाषाएं में एक भाषा रोग से संबंधित होती है या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से संबंधित होती है, और दूसरा जो है वो
स्पिरिचुअल या योग के साधनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, लेकिन वहाँ जो फिजियोलॉजिकल या रोग की बात कही गई वो इस भाषा में नहीं कही गई है जिस भाषा में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं। तो पहले आज मैं पुनः स्पष्ट कर दूँ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जानने से पहले आपको फिजियोलॉजी जाननी पड़ेगी, और फिजियोलॉजी आप दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी एनाटॉमी का आपका अलग सेपरेट पेपर है, उसमें आप क्या पढ़ते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए लें पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र की फिजियोलॉजी क्या है कि भाई आप कुछ इनटेक करते हैं, इनटेक करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, जैसे कि सबसे पहले जो इनटेक करते हैं वो किसके संपर्क में आता है, सलाइवा के संपर्क में आता है। सलाइवा में क्या होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, ये एंजाइम का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर वो चीज़ें कहाँ पर आती हैं, आमाशय में आती हैं, आमाशय में और ढेर सारे एंजाइम्स मिलते हैं और उस आहार को काइम या लुब्धिनुमा बनाते हैं। फिर वो उसके बाद वो छोटी आँत में प्रवेश करता है, छोटी आँत में जो उसकी जो आँतों में छोटे छोटे जीवाणुआ संरचना होती है वो अब्जॉर्ब करती है, क्या अब्जॉर्ब करती है, पोषक तत्वों को। उसके बाद फिर वो भोजन बड़ी आँतों में पहुंचता है, तो वहाँ पे जल का अवशोषण होता है, जल के अवशोषण होने से फिर वो जो लिक्विड में था वो थोड़ा ठोस में कन्वर्ट होता है और फिर मल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जो चीज़ें आपने इनटेक की थी वो ब्लड में आती हैं, ब्लड से सर्कुलेट होकर के फिर वो सेल्स तक पहुँचती हैं, सेल्स में उनका इस्तेमाल होता है उन न्यूट्रिशंस का, उसी में ऑक्सीजन भी मिक्स होती है। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं क्या चीज़ है, यही शरीर की एक फिजियोलॉजी है, ठीक है ना। अब जब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं तब हम उसमें, अगर ये कहा जाए कि पाचन तंत्र का पवन मुक्त आसन का पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पवन मुक्त आसन ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पाचन तंत्र की एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत ढेर सारे कार्य होते हैं पाचन से संबंधित, उसमें पवन मुक्त आसन किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या परिवर्तन आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस दृष्टिकोण से, फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण, इसी का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल। समझ में बात है कि नहीं आई, यानी कि जो फिजियोलॉजी की भाषा है उस भाषा में पर्टिकुलर अभ्यास, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो षटकर्म हो, उसका फिजियोलॉजी की भाषा में जब आप प्रभाव बताते हो तो वही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। समझ बात आ गई नहीं आ गई, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आप फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं लिख पाओगे, नहीं समझ में आएगा। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिखने के लिए, चाहे चूंकि ये आपकी यूनिट पूरी से पूरी फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ षटकर्म, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आसन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्राणायाम, तो इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जानने से पहले आपको फिजियोलॉजी मालूम होना चाहिए, फिजियोलॉजी के माध्यम से ही आप फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बता सकते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। अब हम शोधन क्रिया का देखेंगे, तो यहाँ पर आपने इस स्लाइड में छह शोधन क्रियाओं को देखा कि ये छह शोधन क्रियाएं हैं जो क्रमशः धौती, वस्ती, नेति, नवली, त्राटक और कपालभाति। अब इनका एक एक करके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं। तो सबसे पहली शोधन क्रिया है, क्या नाम है इसका, धौती, ठीक है ना। शोधन क्रियाओं का शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से प्रभाव, और इस स्लाइड में हम शोधन क्रियाओं में पहली शोधन क्रिया ले रहे हैं जिसका नाम है धौती। अब धौती किसको कहते हैं, धौती बेसिकली धौती के कई भेद, हट प्रदीपिका में धौती का एक ही भेद बताया गया है, वस्त्र धौती, जबकि रण संहिता में धौती के तमाम भेद बताए गए। धौती का मुख्य उद्देश्य होता है धोना, साफ करना, और धोते किसको हैं, बेसिकली आमाशय। इसलिए धौती का जो सेंटर पॉइंट है, जो इफेक्टिव अंग है, वो क्या है, वो है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में मुख्य रूप से मुंह, आहार नाल और आमाशय, ये तीन अंग मुख्य रूप से धौती के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र में फ्रॉम माउथ टू एनस का जितना भाग है वो सब पाचन तंत्र का अंग ही कहलाता है, लेकिन धौती में मुख्य रूप से इतना अंग ही सीधे प्रभावित होता है। फिर इनडायरेक्टली तो पूरा शरीर प्रभावित होगा, लेकिन सीधे तौर पे पाचन तंत्रों में मुख, आहार नाल और आमाशय, यानी कि माउथ, ओसोफेगस और स्टमक, ये तीन अंग मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। धौती में आप क्या करते हैं, धौती में धौती के जो विभिन्न प्रकार हैं उसमें हट प्रदीपिका में तो वस्त्र धौती का उल्लेख, वस्त्र धौती में वस्त्र को सूती मलमल का कपड़ा होता है, 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा अकॉर्डिंग टू हट योग प्रदीपिका, उसको जीवा के तालू से रख करके धीरे धीरे उसको निगलते हैं। अभी अभ्यास आप लोगों ने कभी किया नहीं है
तो शुरू में अगर इसको करेंगे तो एक दो दिन एक दो बार में वो अंदर नहीं जाएगा, गले से उमटिंग में बाहर आ जाएगा, लेकिन जब बार बार आप प्रयास करेंगे तो गले से नीचे उतर जाएगा। जैसे गले से नीचे उतर जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगी, और फिर आप कपड़ा को नीचे नीचे बढ़ाते जाएं और जीवा के सहारे उसको निगलते जाएं, ऐसे जैसे पानी नहीं घूट के पीते हैं या भोजन करते हैं तो उसको इनटेक करते हैं तो घूटते हैं, ऐसे घूटते जाएंगे वो कपड़ा नीचे उतरता चला जाएगा और धीरे धीरे वो आमाशय में पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर उसको निकाल दो। तो वो रास्ते में चूंकि कपड़ा घूमते फिरते जाता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत हार्ड है, तो लूज है, तो ये धीरे धीरे अंदर जाएगा, तो रास्ते में जितना ओसोफेगस का, जीवा के ऊपर का, फिर आमाशय का जितना कफ है वो सब पूरा बाहर निकाल देगा, और ये पूरा एरिया जो है वो कफ जनरेटेड है, जितनी कफ से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है वह सारी बीमारी इसी हिस्से से कफ के उत्पन्न होने के कारण होती है। इसीलिए अगर हम धौती की बात करें तो हठ प्रदीप का मालूम क्या कहती है, कफ जनित जितने रोग होते हैं, कफ से उत्पन्न होने वाले रोग, जो मोटापा होता है वो भी कफ जनरेटेड होता है, खांसी 200 प्रकार की खांसी, खांसी को कहते ही है कफ रोग, अस्थमा, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जानते हैं ना, लेप्रोसी, यह सब इससे ठीक होती है, यह स्पष्ट हठ प्रदीपिका में मेंशन है। तो ये तो हो गई ग्रंथ की भाषा, अब आप फिजियोलॉजी के दृष्टि से देखो तो इस हिस्से का जो भी कार्य है, माउथ टू थ्रोट और आमाशय, आहार नाल और उसका आमाशय, इस हिस्से का जो भी कार्य है, क्या भोजन टेक करते हैं उसके बाद आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में ढेर सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिक्रेट होता है, ये सब क्या वो करता है, पाचन तंत्र में अपनी अहम भूमिका निभाता है, तो ये सारे कार्य रेगुलेट होंगे, प्रॉपर वे में होने लगेंगे, किससे, वस्त्री के अभ्यास, वस्त्री के अभ्यास। मैंने हठ प्रदीपिका का जो उल्लेख लिया तो वहां पर वस्त्र धौती का उल्लेख है, इसी को प्रचलन में जल या कुंजल नाम से कराया जाता है। कुंजल क्रिया क्या है, कुंजल क्रिया में पानी को पी करके और फिर जिह्वा को बाहर निकाल के उस पर टन पे उंगली रूट के जड़ पे जैसे प्रेस करते हैं, पानी पूरा बाहर निकलना, जैसे वोमिटिंग करने के लिए करते हैं ना, उसकी प्रॉपर विधि है जो प्रैक्टिकल में आप लोग कर लीजिए, प्रैक्टिकल में आइए और उस पूरा अभ्यास सीखिए। तो कुंजल क्रिया, इसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कुंजल क्रिया, इस क्रिया से चूंकि वस्त्र धोती कठिन है, सामान्यतः उसका अभ्यास नहीं कराया जाता है, पब्लिक के लिए तो बिल्कुल उसको लोग नहीं कराते हैं, उसकी जगह ये जल जो कुंजल क्रिया है जिसमें जल को पी करके निकालते हैं, ये सरल है और इसको कराया जा सकता है। तो इससे जो भी आमाशय के कार्य हैं उन कार्य वो कार्य प्रॉपर होने लगते हैं, जैसे कि भूख का लगना, अगर जो एंजाइम्स और अम्ल है वो प्रॉपर अगर सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी फिर जो आप जबरदस्ती खाएंगे वो पचेगा नहीं ठीक से, इस तरह की दिक्कतें होंगी, गले में जलन होना, अग्निमंदता जैसी बीमारी होना, एसिडिटी होना, ये सब रोग हैं यहाँ के। तो कुंजल से सारे रोगों में लाभ मिलता है, और नहीं है तो आमाशय का जो मुख्य कार्य है वह कार्य प्रॉपर रेगुलेट होता है, सही ढंग से संपादित होने लगता है, ये मुख्य धौती का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा धौती के बहुत ग्रंथ संहिता में भेद हैं जिनको मैं उतना अभी डीप नहीं जा रहा, उसी में एक दूसरी क्रिया है जिसमें जिसे वारिसार अंतर धौती बोलते हैं, उसमें जल को पीते हैं, जल को पी करके पेट में चला करके और फिर अधोमार्ग से निकाल देते हैं, अधोमार्ग मीन्स एनस, ये कुछ ऐसे आसन जिनको करने से ऐसा होता है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटि चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और मेरुदंडासन, ये 5 आसनों का समूह है, जो गुनगुना पानी नमक मिला के पीते रहो, इन आसनों करते रहो तो पानी जो है जल्दी जल्दी से तेजी से आमाशय से आगे बढ़ता हुआ, छोटी आंत बड़ी आंत से गुजरता हुआ और आपको जो है एनस से रेक्टम से निकल जाएगा, रेक्टम और मलाशय को साफ करता हुआ एनस से निकल जाएगा, इसको बोलते हैं वारिसार अंतर, और इस अभ्यास से पूरा आहार नाल, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होता है, जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ये सारी समस्याएं सॉल्व होती है, वो भी धौती का ही भेद है, लेकिन धौती के अंदर जो है वारिसार अंतर, वारि माने जल को वारि बोलते हैं, वारिसार अंतर धौती के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगली क्रिया देखिए वस्ती, वस्ती क्रिया का इस समय जो प्रचलित रूप है उसे एनीमा एनीमा बोलते हैं, बड़ी आंतें मलाशय और मल द्वार, इनकी सफाई इसमें मुख्य रूप से होती है, तो इनके जो कार्य हैं
बड़ी आंत का काम क्या है? बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है, और मलाशय में मल एकत्र होता है, और जब वहां मल एकत्र हो जाता है तो मल त्याग की फीलिंग्स ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं और हमें वॉशरूम जाने की फीलिंग्स होती है, और मल द्वार का काम क्या है? उसको पास आउट करते हैं। तो यहाँ की जो दिक्कतें हैं, यहाँ पर जब जो भी इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन जब वो बाधित होता है तो पहली बीमारी होती है जिसका नाम है कब्ज, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन से ढेरों रोग होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे। आयुर्वेद में तो कहा जाता है कि जिसका जिसको पेट ठीक है समझिए उसको सब ठीक है, पेट से आधी से ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होती है, उसमें पाचन तंत्र में प्रमुख कोष्ठबद्धता ही है, कॉन्स्टिपेशन ही है। तो कॉन्स्टिपेशन कहाँ की समस्या है? मलाशय की समस्या, ठीक है ना। तो मलाशय और मलद्वार यानी कि रेक्टम और एनस, इसको क्लीन करने का अभ्यास है वस्ती। इसका प्रचलित रूप इस समय एनीमा है, पहले योगी लोग जो करते थे इसको साफ करने की दूसरी विधियां थी वो उस इस समय प्रचलन में नहीं है, और जो मेडिकल जगत में चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो चाहे आधुनिक चिकित्सा पद्धति हो, इन सब में जो एनीमा इस्तेमाल किया जाता है वो इसी वस्ती का ही परिष्कृत रूप, ठीक है ना। तो इसको करने से कब्ज खत्म होता है, और कब्ज के बाद दूसरी पाइल्स इत्यादि, आपने पाइल्स का नाम सुना है, तो पाइल्स की जो समस्या है उस समस्या में लाभ मिलता है और उसके होने की संभावना नहीं होती। अगला तीसरे नंबर पे नेति क्रिया। नेति क्रिया नासिका तंत्र से संबंधित है, जल नेति आप लोगों ने किया भी है प्रैक्टिस में, तो उसमें एक नासिका से पानी जाके दूसरे से निकलता है, दूसरे से, तो इससे मुख्य रूप से श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम इस क्रिया से प्रभावित होता है। नासिका के जो सामान्य फंक्शन है वो रेगुलेट होते हैं। अभी कोविड में इसका बहुत बड़ा योगदान सामने आया है, ढेर सारे लोगों ने इस पर रिसर्च भी किया है। तो इसमें जैसा हम लोग कोविड के बारे में क्या पढ़ रहे थे कि इसका जो जो है वायरस है वो नासिका से प्रवेश करता है, तो नासिका से दो तीन दिन इतने हिस्से में ही रहता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है और लंग्स तक पहुँचते पहुँचते एक सप्ताह, पाँच दिन, छः दिन ऐसे लग रहे थे, ऐसा कुछ स्टडी के रूप में पता चला। तो अगर हम नासिका गर्म पानी से, नमक मिले हुए पानी से इसको रोज क्लीनिंग करेंगे तो एक दो दिन अगर वो जाएगा तो उसका अंदर आने का रास्ता मुख्य रूप से नासिका ही था, तो इतने हिस्से में तो रहेगा एक दो दिन, तो अगर हम सुबह शाम इसको करते रहते हैं तो काम खत्म, यहीं किल हो जाएगा। इसीलिए इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कोविड में, बहुत ज़्यादा जलनीति का प्रभाव पॉजिटिव पाया। इवन मैंने खुद कोविड का जब प्रकोप चल रहा था तो मैं रेगुलर इसको करता था और ईश्वर कृपा से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि ढेरों बार ऐसा हुआ कि मैं किसी को अभ्यास करा के आया या मिल के आया और अगले दिन उनका फोन आया कि मत आइएगा मैं पॉजिटिव हूँ, शाम को उनको करा के आए, लेकिन ईश्वर कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि उसमें बहुत बड़ा योगदान इस नीति क्रिया का रहा। इसके अलावा आप इसका आप दूसरा देखिए, इस समय इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, गाड़ी का धुआं, डस्ट, उसमें डस्ट से ज़्यादा गाड़ी का धुआं हमारे लिए हार्मफुल है, जो डीजल और पेट्रोल के जलने का जो स्मोक होता है। तो अगर आप इसे जलनीति का अभ्यास करते हैं और शाम को इसको जलनीति, सबसे अच्छा शाम को करिए क्योंकि दिन में हम बाहर निकलते हैं, तो वो कुछ समय तक इतने हिस्से में ही स्टोर रहता है, नासिका के अग्रभाग से लेकर साइनस तक का जो एरिया है, तो आप इसको जलनीति कर लेते तो क्लीन हो जाता है, नहीं तो धीरे धीरे यहीं लेयर जमेगा, फिर आँख पे उसका प्रभाव आएगा, साइनस पे प्रभाव आएगा और लंग्स पे भी जाएगा। तो यहाँ पे जो बालों से छन्ना, फिर आगे का जो चिपचिपा पदार्थ, वहाँ पर डस्ट का, धूल के कणों का, धुएं के कणों का चिपकना, ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हमारे लंग्स की सुरक्षा के लिए परमात्मा ने गजब की बनाई। नेति के अभ्यास से वो प्रॉपर होता रहता है, वो कार्य क्षमता नासिका की प्रॉपर मेंटेन रहती है, क्योंकि धुआं, सॉरी, जो हम वायु इनटेक करते हैं वह वायु हमारे लंग्स के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर हो जाए और उसमें जो धूल के कण है वो यहीं पर फिल्टर हो जाए, अन्य जो कंपोनेंट है आगे चिपक जाए, इन कामों में नासिका का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि वो वायु लंग्स तक पहुंचते पहुंचते लंग्स के अकॉर्डिंग हो जाए और लंग्स को कम से कम उससे क्षति, इसमें बहुत बड़ा योगदान इस हिस्से का रहता है। तो वो काम नेति से और अच्छे से होता है, इसीलिए नेति क्रिया। इसके अलावा गले से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए नेति क्रिया बहुत उपयोगी है, लंग्स से संबंधित जो बीमारियां होती, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो अन्य दूसरी बीमारियां हो, या लंग्स को, लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने को हो, कफ कोल्ड का जो प्रभाव होता है उनसे बचने के लिए जल नीति का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। कफ कोल्ड की ये बहुत अच्छी मेडिसिन समझिए इसको, और क्विक रिजल्ट मिलता है, इसमें समय भी नहीं लगता। आप नीति अगर कर रहे हैं
जब आप सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, कफ कोल्ड से सफर कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये नीति का आपने इफेक्ट देखा। इसी तरह से नौली, नौली में पेट का मूवमेंट करते हैं। नौली के कई भेद हैं, उसमें वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्य नौली, फिर भ्रमर नौली। भ्रमर नौली में हम पेट को गोल गोल घुमाते हैं, और इन तीनों नौलियों को करने से पहले या आंतों को और पेट को साफ करने के लिए, मुलायम करने के लिए अग्निसार की क्रिया की जाती है। अग्निसार को उपनौली भी बोलते हैं। श्वास बाहर निकाल के, श्वास को बाहरी रोक के, पेट को अंदर बाहर अच्छे से चलाना, तो इससे थोड़ा पेट का जो फैट है वो कम हो जाता है, आंतें थोड़ा सा सॉफ्ट मुलायम हो जाती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तब जाकर के नौली की क्रिया संपन्न होगा। तो इससे पूरा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है प्रभावित होता है। लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, छोटी बड़ी आंतें, दोनों गुर्दे, ये पूरे के पूरे, और फीमेल्स के जो भी अंग हैं, ओरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे के सारे प्रभावित अग्निसार। इसलिए इनसे जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं में लाभ मिलता। आपको याद होगा जिस दिन मैंने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ योगासन पढ़ाया था, वहां मैंने आपको बताया था कि आसन कैसे काम करता है, आसन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी पे क्या है। तो मैंने बताया था कि जो ब्लड सर्कुलेशन है सामान्य दशा में, सामान्य हमारे शरीर की फिजियोलॉजी क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन सहित ढेर सारे कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचते हैं। ये मैंने बताया था जिस दिन मैंने पढ़ाया था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ योगासन। तो उसमें जब आप आसन करते हैं तो आसन जिस अंग से संबंधित होते हैं वहां ब्लड सर्कुलेशन चूंकि बढ़ा देते हैं, तो जहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा वहां ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, किसका? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट और ऑक्सीजन। और इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जिस भी सेल को ज्यादा मिलेगा, तो सेल से टिश्यू से आर्गन, आर्गन से सिस्टम से बॉडी, यही कॉन्सेप्ट है। तो जहां की सेल स्ट्रांग वहां की टिश्यू, जहां के टिश्यू स्ट्रांग वहां के ऑर्गन्स, यही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ योगासन का की पॉइंट है, वही यहां समझ लीजिए। क्योंकि इसमें अभी तक जो आपने तीन क्रियाएं देखी उसमें सीधे शोधन हम करते थे, चाहे धौती के द्वारा, चाहे नेति के द्वारा और चाहे वस्ति के द्वारा, तीनों के द्वारा हम क्या करते थे, जल का प्रयोग करके एक तरह से हम शुद्धि कर रहे थे। नेति में भी कर रहे थे, धौती में भी जल का प्रयोग, वस्ति में भी जल का प्रयोग और नेति में भी। तो धौती, वस्ति और नेति तीनों में जल का प्रयोग, और जल से हम उस संघ की धुलाई कर रहे थे। यहाँ जल का प्रयोग नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है, केवल मूवमेंट दिया जा रहा है, गति दी जा रही है। तो इस गति से क्या होगा, इस गति से वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा वहां पर उन अंगों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वहां टॉक्सिसिटी भी पास आउट होगी, दोनों काम एक साथ होंगे। बशर्ते इस तरह के अभ्यासों का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो आसनों में नियम अप्लाई होता है, वो यहां भी अप्लाई होगा, इन अंगों में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। ये आप ठीक से समझ लीजिए, किसी भी अभ्यास में अगर पर्टिकुलर किसी एरिया को, बॉडी के किसी एरिया को आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हो, अगर वहां इंजरी है तो रोग बढ़ेगा। जैसे अग्निसार, अभी मैं नौली की बात कर रहा हूं, तो नौली या इसका जो उप अभ्यास है अग्निसार, उसको अगर आप अभ्यास करते हैं और किसी को कोई ऐसी समस्या है कि मान लीजिए वो इन अंगों में घाव है, जिन भी अंगों का मैंने नाम लिया, पाचन तंत्र या पाचन तंत्र से संबंधित, या पूरे के पूरे इस मध्य भाग में, चाहे वो स्प्लीन हो, स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन हो, या फिर लीवर हो, इनमें अगर कहीं भी इंजरी है, या गुर्दे हैं, या फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रस है, इनमें अगर कोई ऐसी बीमारी जिसमें इनमें इंजरी है, घाव है, जैसे उदाहरण के लिए पेप्टिक अल्सर, अब पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, आमाशय में घाव हो जाता है ना, तो आमाशय में अगर यह नौली की क्रिया की जाए पेप्टिक अल्सर में, तो क्या होगा, तकलीफ बढ़ जाए। तो इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उनमें नौली का अभ्यास नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण समस्या है, उन सारी बीमारियों में नौली का लाभ मिलेगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंज क्या आएगा, इन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट होने से क्या फिजियोलॉजी होती है, वो सारा का सारा काम यहाँ पर और अच्छे से होने लगेगा। समझ बात आ गई? तो ये नौली का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, पाचन तंत्र, लेबर, स्प्लीन, छोटी बड़ी आंतें, गुर्दे, डिम्बकोश, ओरी को बोलते हैं, गर्भाशय, यूट्रस को बोलते हैं, आमाशय इसमें छूट गया, लेकिन आमाशय भी इसमें पूरी तरह से प्रभावित होता है नौली क्रिया, ठीक है ना, मैंने ऐसे करके याद लिखा है। तो पाचन तंत्र से संबंधित जितने अंग हैं सब आ गए। क्या जी? डिम्बकोश ओवरी को बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब
डिम्बकोश, गर्भाशय, सारे अंग इसमें प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, त्राटक। त्राटक में क्या करते हैं, क्योंकि देखिए शुरू की जो तीन क्रियाएं हैं उसमें जल का प्रयोग होता है, और लास्ट की जो तीन क्रियाएं हैं जल का प्रयोग उसमें नहीं होता है। तो पहले में जो चौथी क्रिया है जहां पर जल का प्रयोग नहीं हो रहा था वहां पर मूवमेंट देते हैं, और ये पांचवी त्राटक क्रिया में हम विचारों से शुद्धि करते हैं। त्राटक में पर्टिकुलर किसी एक बिंदु को, सूक्ष्म बिंदु को बिना पलक झपकाए कंटिन्यूअस देखने का प्रयास करते हैं। कब तक? जब तक आंखों में आंसू ना आ जाए, यही ग्रंथ में मेंशन है, तब तक उसको हम एकटक देखते हैं। आंसू आने पे आंख बंद करके रियलाइज करते हैं। ये त्राटक की क्रिया है। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? पहला बात तो मन सेंट्रलाइज होता है। इसका जो इफेक्टिव ऑर्गन्स है वो मन है, थॉट्स हैं और नेत्र। नेत्र से काम करते हैं इसलिए नेत्र हो गए, विचार आपके सेंट्रलाइज होंगे, क्योंकि अगर आप कहीं और सोचेंगे तो जिस पे आप कर रहे हैं वो बिंदु नहीं दिखेगा। बिंदु आपको दिखना चाहिए, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आई एम लुकिंग दैट पॉइंट, चाहे वो ज्योति हो चाहे वो कोई पॉइंट। ज्योति का भी त्राटक होता है। तो आपको ज्ञान मीन्स आप अनुभव कर रहे हो कि मैं देख रहा हूँ, जैसे आप कुछ अलग सोचेंगे आपको दिखना बंद हो जाएगा, तो उतना हिस्सा त्राटक का नहीं कहलाया। तो आपके एक तो विचारों पे कंट्रोल होता है, और दूसरा मन पे इफेक्ट आता है, तीसरा नेत्रों पे। इस पे सीधे पीनियल ग्रंथि प्रभावित होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है मालूम है? आज्ञा चक्र से उसका संबंध है। पीनियल ग्रंथि सीधे प्रभावित होती है, और पिट्यूटरी भी प्रभावित होगी। जहां विचार प्रभावित होंगे वो, क्योंकि ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के पास होती है, विचार सीधे हाइपोथैलेमस को प्रभावित करता है। हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड की भी हम मास्टर ग्लैंड है, तो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करती है किसको? पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जो भी अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स है, ठीक है ना। तो विचार से भी, और चूंकि फोकस जब हम आंख खोल करके करते हैं तो उसका प्रभाव आता है आज्ञा चक्र पर, और आज्ञा चक्र का संबंध है पीनियल ग्लैंड, और विचारों का संबंध है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें पीनियल और पिट्यूटरी दोनों ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं, विचारों का परिमार्जन होता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो भी कार्य हैं, जो भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स के माध्यम से जो भी उसका शरीर में सामान्य कार्य होता है, वह कार्य रेगुलेट होता है। उस कार्य में वो कार्य प्रॉपर ढंग से या समुचित ढंग से संपादित होता है। नेत्रों की कार्य क्षमता बढ़ती है, इसके बारे में त्राटक के बारे में कहा भी गया है कि नेत्र रोगों का समन होता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में मेंशन। तो ये पांचवें नंबर की शोधन क्रिया हो गई, और छठे नंबर की कपालभाति बहुत फेमस है, आप सभी लोग इसको जानते हैं, रोज प्रैक्टिस भी करते हैं। इसको गलती से कपालभाति को प्राणायाम का भाग मान लेते हैं, क्योंकि श्वास की क्रिया करते हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है, यह षटकर्म की क्रिया है, यह शुद्धि की क्रिया है। छठे नंबर की यही शोधन क्रिया है जिसका नाम है कपालभाति। इससे कपाल का मतलब क्या होता है, ये जो अगला हिस्सा ये है, इसी को कपाल बोलते हैं, और कपाल की शुद्धि इससे होती, इसीलिए इसका नाम है कपाल भात। भात माने होता है धोना, किसी चीज को चमकाना, साफ करना, शुद्ध करना, ये भाती का शाब्दिक अर्थ है, और कपाल माने कपाल। इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ता है कपाल पे, श्वसन तंत्र पे और ब्रेन पे, इसलिए ब्रेन के जो भी सामान्य फंक्शन है, नर्वस सिस्टम का जो प्रभाव है, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो इससे प्रभावित होता है। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रभाव है वो होता है, जब आप झटके से एक्सहेल करते हैं तो प्रत्येक झटके से पेट अंदर जाता है और डायफ्राम ऊपर आता है, तो सामान्य प्रश्वास समझ रहे हो, एक्सहेल यानी कि रेचक या एक्सहेल या प्रश्वास, एक ही क्रिया के ये तीनों नाम है। तो ये जब सामान्य जब आप करते हो तो प्रॉपर एक्सहेल नहीं हो पाता है, कपालभाति में सामान्य एक्सहेल से जो श्वास नहीं निकल पाती है वो भी निकल जाती है, और नीचे से झटका लगता है। इसलिए कपालभाति लंग्स को शुद्ध करने का, मस्तिष्क को शुद्ध करने का, और शरीर में जो CO2 से युक्त ब्लड है उसको पास आउट करने का, CO2 को पास आउट करने का मेन काम, क्योंकि इसमें फोकस क्या होता है, एक्सेल, इसमें फोकस क्या होता है, रेचक एक्सेल, पूरक फोकस नहीं होता है कपालभाति, पूरक क्या होता है, पैसिव होता है, एक्टिव क्या होता है, रेचक, रेचक इसमें एक्टिव होता है और वो झटके के साथ, इसलिए कपालभाति श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है, रक्त ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है, रक्त प्यूरिफाई होता है, कपालभाति रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ब्लड प्यूरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और नर्वस सिस्टम
क्योंकि ये ब्रेन भी प्रभावित होता है तो नर्वस सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। तो इस तरह से कपालभाति का बॉडी पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का यही मतलब है कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं हमारे अंगों के, फिजियोलॉजिकल मतलब जो आधुनिक भाषा, आधुनिक मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से अंगों के जो कार्य हैं, उन कार्यों पर इन अभ्यासों का किस तरह से प्रभाव होगा। तो जो मेडिकल भाषा का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप डायबिटीज का ले लो, तो डायबिटीज क्यों होती है, क्योंकि इंसुलिन से हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। किससे सिक्रेट होता है? बीटा सेल। बीटा सेल कहाँ रहती है? पैंक्रियाज में रहती है। अब ये क्या हो गई? ये हो गई फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि इफेक्ट ऑफ मंडूकासना या इफेक्ट ऑफ अर्धमत्स्यासना ऑन पैंक्रियाज, या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अर्धमत्स्यासना ऑन पैंक्रियाज, तो इसको इसी तरह से बताओगे ना कि भाई ऐसे ऐसे इसका सामान्य कार्य होता है कि जो पैंक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल है उससे इंसुलिन का स्रावण होता है और ये इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। जब हम मंडूकासन या अर्धमत्स्यासन या भुजंगासन या धनुरासन, ये चार मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि चारों आसनों पर रिसर्च हुआ है, चारों आसन सबसे ज्यादा डायबिटीज में उपयोगी पाए गए। नंबर एक अर्धमत्स्यासन, नंबर दो मंडूकासन, नंबर तीन भुजंगासन, नंबर चार धनुरासन। जिसमें मंडूकासन तो हर कोई जानता है, मंडूकासन मतलब डायबिटीज का आसन। तो इनको जब हम करते हैं तो क्योंकि इससे उदर की मांसपेशियों पे क्या होता है, दबाव आता है और खिंचाव आता है। भुजंग और धनुर में खिंचाव आता है और मंडूक और अर्धमत्स्यासन में दबाव आता है। तो जब चाहे दबाव आए चाहे खिंचाव आए, उसके बाद आप फ्री करेंगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा पैंक्रियाज पे, तो जो बीटा सेल फाइब्रेटिक हो रही थी, फाइब्रेटिक क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो, जहां फाइब्रेटिक होंगी वहां ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो एक तो फाइब्रेटिक होना रुकेंगी, जो फाइब्रेटिक हो रहे वहां रुकावट आ जाएगी, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बीटा सेल एक्टिव होंगी, और एक्टिव होंगी तो क्या करेंगी, कोई बात, व्यक्ति जब एक्टिव होगा तो उसका जो स्वाभाविक काम है वही तो करेगा। तो बीटा सेल जब एक्टिव होगी तो क्या करेंगे, इंसुलिन का सेक्रेशन करेंगी। अब इंसुलिन का सेक्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंसुलिन कम सेक्रेट होने से डायबिटीज होती है, इसलिए लाभ हुआ। तो ये आपने क्या किया, ये मेडिकल भाषा में उसी बात को कह दिया, वो हो गया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है ना। और ऐसे सिंपल कह दिया कि लाभ क्या है, तो ग्रंथ में जो बताया गया है वो ग्रंथ की भाषा हो जाती है। तो लाभ में भी आप फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात आए, इसका मतलब शरीर क्रिया विज्ञान के दृष्टिकोण से आप उसके लाभ को उसकी नजर में कहोगे, उसकी दृष्टि में जो उसका लाभ है उसको कहोगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।